बेबीडोज कॉइन के बारे में बात करने वाले, मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा जो मार्केट है, चाहे वो अल्ट कॉइन हो चाहे वो मीम कॉइन हो, हर कोई ग्रीन सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं। BTC 30,000 प्लस की सीरीज में आ चुका है, इथेरियम 2,000 प्लस में है, और AP अगर USDC XRP जितने भी जो स्टेबल टोकन है या अल्ट कॉइन है, सारे के सारे कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं। बेबीडोज कॉइन की अगर बात करें तो काफी अच्छी खासी अपडेट्स है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 10% से पंप करता हुआ नजर आ रहा है लगभग, और ये थोड़ा 12-13% भी गया था, लेकिन अभी वापस से 17 पर आ चुका है। 2 की सीरीज तक जैसा कि आप देख सकते हो हाई इसने लगाया था। अभी जो मार्केट में इसके रिगार्डिंग अपडेट है वो काफी अच्छी खासी अपडेट्स हैं। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं शिबा इनू से इसका कंपैरिजन ये कर रहा है, खुद बेबीडोज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बात बता रहा है कि नॉट 100% श्योर इफ दिस इज ट्रू, बट इट सीम्स एज इफ बेबीडोज हैज मोर अंडरलाइंग लिक्विडिटी ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बैकिंग इट देन एनी अदर मीम कॉइन इंक्लूडिंग SIB। यानी कि जो डेक्स एक्सचेंज होते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वहाँ पर अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो बाकी के जितने भी अदर मीम कॉइन है, चाहे वो डोज कॉइन हो चाहे वो शिबा कॉइन हो चाहे उसके अलावा जितने भी हज़ारों जो मीम कॉइन्स आजकल मार्केट में आ गए, उनसे सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है वो बेबीडोज ने रखी हुई है। तो दोस्तों इससे होता क्या, इस ट्वीट का सीधा सा मतलब ये है कि जो ट्रस्ट वाली बात आती है, एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जो लिक्विडिटी है वो किसने सबसे ज़्यादा रखी हुई है, तो उस मामले में बेबीडोज सबसे आगे है। तो भैया ये ट्रस्ट फैक्टर वाली बात तो है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसकी अपडेट है भैया, ट्रेंड की बात अगर की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेंड के मामले में पीछे है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बेबीडोज कॉइन आपको ट्रेंड में नजर आने वाला है। हालांकि अगर आप ये देखोगे पिछले 7-8 दिन से, तो एक चीज़ कहीं ना कहीं इसको ओवरकम कर रही थी जो था टेरा लूना। यहाँ पर भी जैसा कि आप देख सकते हो coinex.com यहाँ पर भी नंबर 1 पर लूना कॉइन, जो टेरा लूना है जिसने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचाया हुआ है फिलहाल के टाइम पर अगर बात की जाए तो, चाहे ट्विटर पर ले लो चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ले लो, अगर क्रिप्टो के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंड अगर किसी ने बनाया है पिछले 10 दिनों के अंदर तो वो है टेरा लूना। लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पर एक मीम कॉइन आता है और वो है बेबीडोज कॉइन, और बेबीडोज कॉइन के लिए मैंने हमेशा आपको प्राइस प्रिडिक्शन ऑलरेडी बताया हुआ है अच्छे तरीके से एनालाइज करके, जो कि है 2-0 किल करना। अब काफ़ी लोग 4-5-0 वाले सपने देखते, तो भैया वो चीज़ मत देखो। लवलीनू के बारे में भी मैं आपको हमेशा से एक ऑनेस्ट रिव्यू देता आ रहा हूँ, और जो लोग $1 वाले थे भैया, तो अभी हालांकि उसमें काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिविटी तो नज़र आ रही, लेकिन $1 वाला विजन अभी भी पूरा नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको 2-3 साल तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। अभी बात बेबीडोज की करते हैं, जो नेक्स्ट इसकी अपडेट है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ट्रेंड की बात हो रही है यहाँ पर, और ट्रेंडिंग पर ये कंटिन्यूसली चल रहा है, चाहे वो कॉइन गेको की बात हो चाहे वो ट्विटर की बात हो या फिर coinex जो कि मैंने अभी आपको बताया था, उस वेबसाइट पर काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है कॉइन, जैसा कि कॉइन गेको और कॉइन मार्केट कैप होता है उसी तरह का वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉरेन यूज़र हैं। अगर एशियन कंट्री की बात की जाए तो वो ज़्यादातर आपको कॉइन गेको पर और कॉइन मार्केट कैप पर ही देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी ये ट्रेंड कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और लूना दोस्तों, लूना के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको छोटी से छोटी हर अपडेट लूना के रिगार्डिंग मिलती रहेगी चैनल के अंदर। जो इसकी लास्ट अपडेट है बट सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि बेबीडोज कॉइन की जो ऑटोमेटिक बर्निंग वाला फीचर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जबकि जो अदर मीम कॉइन जैसा कि अगर सेतामा की बात की जाए या कुछ और अलग जो मीम टोकन है जैसा कि लवलीनू की बात की जाए, तो इनके अंदर ऑटो बर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। और मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो के टोकन्स आपके साथ डिस्कस करते रहता हूं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप हमेशा फिक्स टोकन्स पर वीडियो बनाते हैं, जैसा कि लवलीनू हो गया, सिंजा कॉइन हो गया, बेबीडोज कॉइन हो गया, किसूनू हो गया, सिबाइनू हो गया, डोज कॉइन, जितने भी मीम कॉइन है, या फिर XRP, रिपल, बिटकॉइन और अभी टेरा लूना पर भी। तो भैया ये सारे के सारे टोकन मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हैं, इसी वजह से मैं उनका बारे में रिसर्च भी अच्छी खासी करता हूँ और उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाकी के जो कॉइन होते हैं उनका अगर रिव्यू करने के लिए मुझे डिमांड आएगी कमेंट्स में तो मैं ऑफकोर्स करता हूं, और कोई भी नया टोकन अगर मैं ऐड करता हूं अपने पोर्टफोलियो में तो वो भी सबसे पहले आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो यही मेरा काम है दोस्तों। फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट जैसा कि इस बर्निंग की बात की जाए, मैंने कई बार आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी बताया कि जिसमें ऑटो बर्निंग होती है उसका रेशो स्टार्टिंग में काफी अच्छा खासा रहता था, जैसा कि 15-20 ट्रिलियन तक रहता था, ट्रिलियन की मैं बात कर रहा हूं, 15-20 ट्रिलियन तक 24 आवर के अंदर बर्निंग हो जाया करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा मोमेंट भी आया था जहां पर बर्निंग का जो रेशो था वो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन और कुछ टाइम के लिए बिलियन में भी आ गया था, लेकिन अभी जो पिछले 24 आर हैं, अभी के नहीं, अभी से 2-3 घंटे पहले जो 24 आर रहे हैं उसमें जो बर्निंग हुई है भैया, 71 ट्रिलियन टोकन्स बर्न हो चुके हैं, वो भी ऑटोमेटिक, यानी कि ट्रांजेक्शन की वजह से, जो वॉलेट से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट, यूनिस्वैप वगैरह से या फिर पैनकेक स्विप से, तो वहाँ सबसे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर भैया इतनी ज़्यादा बर्निंग हो चुकी है। अब इस तरह से अगर बर्निंग होगी तो भैया ये काफ़ी बड़ी बर्निंग है, क्योंकि अगर डेली बेसिस पे भाई ट्रिलियन में टोकन बर्न होंगे तो आप सोचिए 2022 के एंड तक इसकी कितनी सप्लाई इसे ऑटोमेटिकली बर्न हो जाने वाली है। और आप जानते हैं कि महीने के पहले दिन ये हमेशा से बर्निंग करते हैं, और अगला वाला महीना जो है वो काफ़ी स्पेशल रह सकता है बेबीडोज कॉइन के लिए, ये आपको पता ही होगा। वो क्यों रह सकता है, क्योंकि उसके दिन इसकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है वो भी आने वाली है, पूरे 12 महीने हो जाएंगे बेबीडोज कॉइन
कॉइन को, तो उसके दिन हो सकता है कुछ स्पेशल भी हो जाए। और रही बात जो ट्रेंड इसका जो चल रहा था कंटिन्यूसली लिस्टिंग के रिगार्डिंग, चाहे वो बायनेंस की हो, चाहे कुकॉइन की हो, चाहे कॉइन बेस की हो, तो वो ट्रेंड लगातार जारी है। मार्केट के हालात थोड़े बहुत ख़राब थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो स्टेबल कॉइन है जिन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट कभी होते नहीं है, चाहे मार्केट कितना भी क्रेश हो जाए या कितना भी पंप कर जाए, उनकी भी हालत अभी थोड़ी ख़राब है। USDT की वजह से हुई है ज़्यादातर, और उसके बाद में USDC पर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रही है। हालांकि USDC एकमात्र ऐसा कॉइन है जो अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे कि डाया की अगर बात की जाए तो वो भी थोड़ा बहुत अफेक्टेड हुआ है फिलहाल अगर देखा जाए तो। बिटकॉइन थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, सारे कॉइन अभी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। प्राइस प्रिडिक्शन हालांकि ये था कल तक अगर देखा जाए तो कि मार्केट और भी ज़्यादा डाउन जा सकता है क्योंकि कुछ नेगेटिव अपडेट्स भी थी। फिलहाल अगर मार्केट में देखा जाए तो पॉजिटिव अपडेट जाते हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। शिबा इनू की बात की जाए तो भैया मोर देन 65 कंट्रीज़ में उसको एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जा चुका है, बैंक भी बन रहे हैं क्रिप्टो के कंटिन्यूसली। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो का ओवरऑल जो एडॉप्शन है उसको बढ़ा रही हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया में थोड़ी बहुत हालत अभी भी ख़राब है। रीज़न ये है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो इन्फ्लुएंसर है यानी कि सेलिब्रिटीज़ लोग जो कहने का मतलब क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे थे, चाहे वो कॉइन DCX करवा रहा था या कॉइन स्विच कुबेर करवा रहा है या वजीर एक्स करवा रहा है, तो ये सारे पर बैन करने का सोचा है सरकार ने। अभी फिक्स नहीं हुआ है लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। कुछ जो इन्फ्लुएंसर जो कहने का मतलब सेलिब्रिटीज़ है, रणवीर सिंह हो या कुछ भी हो, तो उनको थोड़ा बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर मिक्स ऑडियंस है। फिलहाल अगर क्रिप्टो को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सपोर्ट भी करते हैं लेकिन कुछ लोग इसको काफ़ी हद से ज़्यादा अपोज करते हैं, खास करके जो बैंक से रिलेटेड उनके जो कहने का मतलब कर्मचारी या जो बैंक में काम करते हैं उनको तो भैया काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं और वही लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम है। और क्रिप्टो भैया, क्रिप्टो के नाम से ही दूसरा जो नाम निकाला जाए तो कह सकते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि क्रिप्टो के सामने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लेकिन इसने हर बार सबको लात मार के आगे बढ़ाए, तो आगे भी यही होप की जा रही है। और एक गुड न्यूज़ हो रही है कि 1.4 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं बेबीडोज आर्मी के, तो भैया कॉन्ग्रेचुलेसन। और बेबीडोज को आप होल्ड करके रखिए टाइट क्योंकि बर्निंग इसकी ऑटोमेटिक वाली बर्निंग बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है उसकी रेट, इसका मतलब ट्रांजेक्शन बढ़ रहे होंगे, इसी वजह से जो बर्निंग है वो भी बढ़ रही है। और आगे अगले महीने का वेट कीजिए क्योंकि वहाँ पर बर्निंग और ज़्यादा होने वाली है और एनिवर्सरी के दिन हो सकता है इसकी एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग भी हो जाए। और 2022 एंड तक तो आपको मिनिमम इसको होल्ड करके रखना ही है अगर आपको 10x 100x जैसा प्रॉफिट चाहिए। तो फिलहाल के लिए यही था, बाय बाय, थैंक यू।